दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन भारत ने ठोके 600 रन। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैदान पर दिखाया भयंकर तूफान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन भारत के पक्ष में व्यतीत हुआ। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले से मैदान पर रनों की ऐसी आंधी ला दी जिसके सामने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी उड़ते नजर आए। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ पहले दिन कैसे भारत ने 600 रन ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अर्जित करा लिया, इसकी हाईलाइट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन भारतीय टीम का सबसे बेहतर बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है जिसका पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर पहले ही ओवर में रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को अपनी इन स्विंग गेंद पर बिना खाता खोले LBW आउट कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आते हैं। लेकिन इन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया। इस दौरान शुभमन गिल भी चौथे ओवर में गेंदबाज आंद्रे बर्गर की गेंद पर सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जहां पर शुभमन गिल 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आते हैं और ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर टीम को संभाल लिया, क्योंकि 5 रनों के स्कोर पर भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। और ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया और भारतीय टीम को मजबूती दिलाई। इस दौरान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना खाता 1 रनों के साथ खोला, तो विराट कोहली ने अपने फेवरेट और ट्रेडमार्क शॉट से कवर ड्राइव के साथ अपना खाता 4 रनों के साथ खोला। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को आगे ले जाने का काम किया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि अपना अर्धशतक और अपना शतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें, पहले सत्र के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया और साथ में शतक के करीब पहुंचने का काम किया। दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से ये काम किया था। हालांकि दूसरे सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने अपना शतक लगाया और 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन जैसे ही तीसरा सत्र शुरू हुआ तो शुरू में दोनों ने अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक अपना 13 शतक भी पूरा किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 90 ओवरों के अंदर 615 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और इस दौरान रोहित शर्मा ने 190 गेंदों पर 16 चौके और 14 छक्के की मदद से 308 रनों का नाबाद योगदान दिया। दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 240 गेंदों पर 22 चौके और 4 छक्के की मदद से 302 रन नाबाद बनाए थे। और ऐसे में दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारत ने 600 रनों का आंकड़ा पार किया। ऐसे में दोनों के अभ्यास मैच में किए गए तूफानी प्रदर्शन को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर दोनों बल्लेबाजों से की जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली कितने रनों का योगदान दे पाएंगे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच T20 और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जहां टीम इंडिया का दबदबा जारी है। T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने और वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब मौका है टेस्ट मैचों में धमाल मचाने का। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि भारत के सीनियर खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 1 महीने से भी ज्यादा लंबे ब्रेक के बाद एक्शन में नजर आएंगे। एक बार फिर से कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका को नजर में रखते हुए दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वहीं भारतीय टीम इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका में इस बार टीम इंडिया के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका है। दरअसल दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना रहा है, जहां टीम इंडिया ने आज तक कभी भी साउथ अफ्रीका को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में नहीं हराई है। और ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में इतिहास रचने का मौका एक बार फिर से मिला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज को आप स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेबसाइट पर या ऐप पर इस पूरे सीरीज को आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरी ओर बात करें समय के बारे में, तो ये पहले टेस्ट मैच का प्रसारण भारतीय समय अनुसार 2:30 से होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम की परिस्थितियां भी पूरी तरीके से अफ्रीका के पक्ष में रहने वाली हैं। सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम के पिच ग्रीन है और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की सभी पिचों पर गेंद बाउंस होती है, उसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जहां तक
अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ग्राउंड पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस लिहाज से टॉस जीतने वाले कप्तान को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहिए। वहीं इस मैच में खतरे की घंटी भी बज रही है। सेंचुरियन में रविवार को मैच के पहले दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना 25% है। सोमवार को भी बारिश की संभावना है और मंगलवार को तेज बारिश के आसार है, जो कि बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे। तेज हवाओं के बीच गेंद हवा में और अतिरिक्त हरकत करेगी, यानी कि दोनों टीमों के पास जहां क्वालिटी खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले को और रोमांचक बना देता है, तो अब जरा एक बार दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर अगर नजर डालते हैं तो जहां अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम कप्तान थिम्बा बवुमा, एडन मार्करम, टर्स्टन स्टब्स, डीन एल्गर और जोनी दे जॉर्जे जैसे खूंखार खिलाड़ियों से सजा हुआ है, वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में उनके पास मार्को यानसेन और नांद्रे बर्गर जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। वहीं गेंदबाजी में भी जेराल्ड गोएचे, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी और कगिस और रबाडा भारतीय खिलाड़ियों पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। और अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा अपनी टीम को जीत दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अब प्लेइंग 11 में चार अपने ऐसे पसंदीदा खिलाड़ियों की एंट्री कराई जिनका नाम ही अफ्रीका को खौफ में डालने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे तो मध्य क्रम में जिम्मेदारी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के मजबूत कंधों पर सौंपी जाएगी। जहां किंग कोहली से लंबे समय बाद टेस्ट मैच में शतक की उम्मीद भी हर कोई लगा के रखा हुआ है, क्योंकि यदि उनका बल्ला चला तब तो हमारी जीत सुनिश्चित है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में यमान, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन को कप्तान रोहित शर्मा सौंपने वाले हैं। जहां एक बार फिर जडेजा और अश्विन उनके सबसे बड़े हथियार होंगे तो शार्दुल ठाकुर को अपने ट्रंप कार्ड के रूप में रोहित शर्मा मैदान में उतारने जा रहे हैं, जहां उनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी का बखूबी इस्तेमाल टीम इंडिया के हक में जा सकता है। तो वहीं तेज गेंदबाजी क्रम में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार अफ्रीकी बल्लेबाजों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, भारत की प्लेइंग 11 भी काफी खतरनाक है। रोहित शर्मा इस मिले मौके पर बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसे में इस बार तो टेस्ट मैचों के रोमांच में इतिहास निश्चित ही लिखा जा सकता है। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरी अफ्रीका में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल तो टेस्ट मैच को T20 की तरह खेल रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए कगिस और रबाडा को जायसवाल ने 12 रन ठोक दिए और इस ओवर में जायसवाल ने लगातार 3 चौके जड़े थे और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का लुत्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भरपूर उठा रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, वो भी अफ्रीकी गेंदबाजों की धजिया उड़ाने पर तुल गए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिए थे। दोनों खिलाड़ी अफ्रीकी गेंदबाजों की धजिया उड़ा रहे थे, जिसे देखकर अफ्रीकी कप्तान थिम्बा बवुमा पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो गए। लेकिन भारतीय ओपनरों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के स्कोर को जायसवाल अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर लिए। मगर दोनों खिलाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। जायसवाल अपने बल्ले से तांडव मचाए जा रहे थे। जायसवाल ने नांद्री बर्गर के ओवर में एक ऐसा छक्का जोड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान रह गया। गेंद सीधा स्टेडियम के पार जाकर गिरी और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। इनका बल्ला रोकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने केशव महाराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज अफ्रीका गेंदबाजों की शामत लाने वाली है, क्योंकि जायसवाल बेहद तेज रफ्तार से टीम इंडिया के लिए रन बटोर रहे थे। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। जब जायसवाल का सामना एक बार फिर रबाडा से हुआ तो जायसवाल ने उसी अंदाज में इस ओवर को भी खत्म किया और लगातार 3 चौके जड़ दिए। लेकिन जायसवाल ने अपना विकेट भी अंतिम गेंदों पर रबाडा को दे बैठे और टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। जायसवाल केवल 55 गेंदों पर 95 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पवेलियन गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और रोहित शर्मा का साथ देने किंग कोहली आ जाते हैं। विराट के मैदान पर आते ही रोहित शर्मा का भी बल्ला जमकर बोलने लगा। फिर क्या, उनकी बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली भी रुकने का नाम नहीं लिए। एक के बाद एक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से खूब रन निकल रहा था। विराट अफ्रीका के हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। वहीं रोहित शर्मा तो बौखलाए नजर आ रहे थे, क्योंकि हर ओवर में
रोहित शर्मा गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दे रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका के दर्शक भी हैरान रह गए। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और फिर तो दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त तांडव मचाया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना तूफानी शतक भी ठोक दिया। रोहित शर्मा के शतक पर स्टेडियम में बैठे दर्शक और भारतीय खेमा खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत किया, जिसे देखकर टिम्बा बबूमा की आंखें फटी की फटी रह गई थी।